मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी शैल लर्न इंटरजेक्शन। फर्स्ट, व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? यस, अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ एन इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन वह वर्ड होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग होती है या फिर उसमें इमोशन होते हैं। ठीक, परजेंट विद सडन साउंड होती दे आर डिफरेंट, वो अलग अलग होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि वो खुशी में है या गम दुख में है, क्योंकि किस तरह से वो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। समझ गए? वन सेकेंड अंडरस्टैंड। And interjection is a word which expresses strong feeling or emotion. Okay? Interjection है उसकी साइन है, इस तरह से साइन होता है interjection का मेन साइन। Sometimes में इसे इस तरह से घुमा लगा के भी, क्योंकि जो मिल जो कि माइल्ड interjection होते हैं जिनको इनिशियल स्टेज पे शुरुआती स्टेज पे इतना एक्सप्लेन नहीं करते, बट जिसे हम रिप्लाई करते हैं यस नो ऐसे, तो उस तरह की भी स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग आ रही है तो वहाँ पे कोमा लगा के भी प्रोसीड करते हैं, बट इंटरजेक्शन का जो मेन साइन है ये। ओके, सम एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन, लेट्स फर्स्ट हुरा We won the match। इस तरह से टीचर बता देते हैं आपको, जब भी कभी खुशी होती है तो ऐसे वर्ड पूरा निकल जाते हैं। इंग्लिश में हमारे यहाँ पे हम भी कुछ ना कुछ वॉइस निकालते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा होता है तो पूरा उसके आप अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राइटिंग में या प्रेजेंटेशन में भी, ओके इंटरजेक्शन का साइन हो वो मस्ट होता है ना, पूरा वी वॉन द मैच। अल्लाह सीज दे, कोई मर गया तो दुख के लिए वो अल्लाह सारा खुशी के लिए हुर्रा कि लेट्स ओ इट्स सरप्राइज। वैसे चौंकाते हैं कभी तो चौंक जाते हैं सडन, तब सडन टाइम पे ओ ऐसे वर्ड कि नो आई एम नॉट गोइंग देयर, जब कुछ मना कर रहे हैं कुछ नो ऐसे बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग देयर, इसमें कोमा लगाया है तो यहाँ पे भी नो। इसके बाद में ये इंटरजेक्शन के जो वर्ड होते हैं उनकी ये खासियत होती है थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है, ब्रेक आ जाता है बीच में, नो आई एम नॉट गोइंग देयर। नेक्स्ट गुड, कुछ बात अच्छी होती है यार, गुड गुड वी आर सेफ नाउ, हम अभी सेफ हैं, तो ऐसे गुड रुके अच्छा। ठीक, कभी किसी को संबोधित करते हैं तो हे सॉरी ओके इसको है डोंट टच इट या क्लोज इट, ओके बंद कर दो, इस तरह से हम यूज कर रहे हैं। अरे ऐसे बोलते हैं हिंदी, तो उस तरह से ऐसे वर्ड उनके साथ में सेंटेंस आते हैं और ये वर्ड जो रोल प्ले करते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, मैंने यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट जो उनके टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है, आप इनके बाद अच्छे से समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। जी ओ आई सॉरी जे ओ आई जॉय, जॉय किसके लिए होता है? खुशी जब प्रेजेंट करते हैं, जॉय जब खुशी होगी किसी भी तरह की तो हम यूज करेंगे ऐसा वर्ड। ओके, ये जो वर्ड यूज होगा। ओके, इसके बाद में आप चाहते हैं ग्रिफ, ग्रिफ मीन्स दुख, ग्रिफ मीन्स होता है दुख, दुख में वो मर गए ऐसे कहते हैं, वो अल्लाह ऐसे वर्ड लगा कि उसमें जो सेंटेंस हो वर्ड यूज। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मीन्स आनंद, हम खुश होते हैं कुछ देखा हा हंसते हैं से ठाकर रहते हा ऐसे वर्ड आनंद के ये ऐसे वर्ड यूज करते हैं। अप्रूवल, अप्रूवल किसी को हम अभिवादन कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हो ब्रावो, ओके यू गेट द फर्स्ट पोजीशन शाबाश ब्रावो है ना, ये वर्ड यूज करेंगे। इसमें आगे जो सेंटेंस होता है वो एड कर सकते हैं।
रिप्रूफ ये होता है तेरे से निंदा के लिए, निंदा जैसे छी छी जैसे बोलते हैं हिंदी में, उस तरह से इंग्लिश में फाइव 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 कि रिप्रूफ निंदा के फाइव फाइव कितना गंदा है, इस तरह से रहते हो उसे छी छी रिप्रूफ फाइव फाइव। उसके बाद में आपके आगे आप क्या करना चाह रहे हो सेंटेंस ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है कंटेंट, सॉरी कंटेंट कंटेंट एंड रेडिकुल। ये रेडिकुल एंड कंटेंट बहुत कम इच्छे नहीं आ रहे हैं, तिरस्कार किसी चीज घटना करते हैं, तिरस्कार स्टर टस ट्विटर ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, किसी को चिढ़ाते हैं या घटना करते हैं, उस टाइम कंटेंट या रेडिकल, रेडिकल या कंटेंट के टाइप के अभी ये वर्ड यूज करके उसका आगे क्या सेंटेंस यूज करें। नेक्स्ट है एड्रेस, एड्रेस किसी को संबोधित करते हैं, अरे ऐसे है ना या हाय हेलो, ये स्टार्ट में हम किसी को संबोधित करते हो, सेल फोन मोबाइल यूज करते हैं तो हम सबसे पहले हेलो बोलते हैं, ये इंग्लिश का ही वर्ड है ओके, सबसे पहले हेलो से हेलो तो वर्ड है हाँ क्या वर्ड हुआ ना हेलो हाय की ये एड्रेस संबोधित के लिए। उसके बाद में आगे आप करते हैं हेलो हाउ आर यू आगे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डाउट, हमें किसी को संदेह है तो हम ऐसे बोलते हैं इस तरह से डाउट हम हेम हम ओके, इनके साथ में इंटरजेक्शन का साइन लगा के आप आगे हम। नेक्स्ट फेयरवेल, फेयरवेल हम किसी को विदा करते हैं, उस टाइम गुड बाय ओके गुड बाय सी यू अगेन, गुड बाय दिस विदा करते हैं कि ऐसा वर्ड होती है उसमें तो ये खासियत होती है, इनकी क्वालिटी होती है कि इंटरजेक्शन वर्ड होने के बाद थोड़ा सा विराम लगता है इसका। नेक्स्ट इस तरह की वर्ड को हम यूज होते हैं, अब देखो स्ट्रेंज अजीब शॉकिंग वो ओके हिला देने वाला जो वो तो शॉकिंग एडजेक्टिव, ये क्या है एडजेक्टिव, ये ऐसे वर्ड है जो इंटरजेक्शन देते हैं बट एडजेक्टिव, हियर 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 सुनो सुनो ये क्या हुआ, ये भी इंटरजेक्शन का ही रोल प्ले करते हैं। फुलिस ये क्या नाम कहते हैं मूर्ख, इस तरह से बोलते हैं मूर्ख फुलिस, ये नाउन है यहाँ पे इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन का ही रोल प्ले करते हैं। इस तरह के वर्ड होते हैं उनके आपके ये जो इंटरजेक्शन के साइन होता है, समटाइम में कोमा में भी आते हैं हाँ, ये आपको अभी क्लियर हो गया इंटरजेक्शन क्या हो गया, ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। सेंटेंस में आपने जब सेंटेंस का स्टार्ट में सीखा तो सेंटेंस में भी इंटरजेक्शन आपको इंटरजेक्शन